चलिए गुड टू गो। यस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का दोस्तों लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर एकाग्रता बैच फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 24 और जून 25। एंड गाइस लेक्चर नंबर 1 ऑफ आवर ब्रांड, सर लिंक क्लिक नहीं हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। Brand new topic and the very first topic of our syllabus, meaning and scope of accounting. तो आइए दोस्तों आज से स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, ठीक है। दो लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी सॉ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैच, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। हमारा बैच स्ट्रेटेजी क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा एंड एवरीथिंग। इन सेकेंड लेक्चर वी सॉ अकाउंटिंग की ए बी सी डी, ठीक है, जहां पर जहां पर हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी अकाउंट्स के बारे में। इंटेंशन यही था कि जो भी अब हमको पढ़ना है, अप्रोच जो होगा हमारा वो आज से थोड़ा सही होगा, ठीक है। चलिए लिंक क्लिक नहीं हो रही है, एक काम करो, अभी फटाफट से काम करो, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उस पर फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वहीं पर नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जो लोग मुझे नहीं जानते बता दूं, तो दिस इज दर्शन जैन, एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन एंड हैज बीन टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द पास्ट 12 इयर्स। एंड गाइस आइए लेट्स बिगिन अवर सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। ऊपर टेलीग्राम चैनल है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर नोट्स आपको दे रहा हूं, ठीक है। नोट्स वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, कर लीजिएगा जो है, डाल रहा हूं अभी। डियर सितंबर 24 / जैन 25 स्टूडेंट्स, प्लीज फाइंड लिंक ऑफ गूगल ड्राइव फॉर नोट्स। जो लोग यूट्यूब पर जुड़े हैं वहीं पर भी डाल देते हैं। यस मिल गया क्या सबको लिंक, किसी को कोई दिक्कत? अब ओके लेट्स गो, सब मिल गया क्या भाई, किसी को कोई दिक्कत? नोट्स मिल गए क्या? डायरेक्टली भी डाल देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। डायरेक्टली भी नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ फॉर टॉपिक 1। चलिए लेट्स गो, मिल गए सभी को नोट्स। लिंक क्लिकेबल क्यों नहीं हो रहा है भाई, होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके लेट्स बिगिन। तो दोस्तों बिफोर आई बिगिन लेट मी टेल यू अबाउट एकाग्रता। एकाग्रता इज अ लेटेस्ट रिवॉल्यूशन इन सीए कोचिंग इंडस्ट्री, जो पढ़ाते हैं सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। एंड गाइस ये है हमारी रॉक सॉलिड टीम, ठीक है, जिसमें आपके एकाग्रता के सारे टीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्यूचर, वंडरफुल फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच इज
यू आर गेटिंग एक्सेस टू ऑल फैकल्टीज, ठीक है, जितने भी फैकल्टीज हमारे सी ए फाउंडेशन में है उन सब का एक्सेस आपको मिल रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद, दो मिनट लूंगा आपके, जेडी सर है, अभिषेक बंशल सर है, आपको फाउंडेशन नहीं इंटर पढ़ाएंगे, स्वाति मैम लॉ पढ़ाएंगे, अंशुल सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, निशांत सर मैथ्स पढ़ाएंगे, दर्शन जैन सर पढ़ाएंगे आपको अकाउंट्स, और आदर्श जोशी सर पढ़ा रहे हैं आपको लॉ, ठीक है। ये दोनों एक चैनल है और एक ग्रुप है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे सेशन हमारे यहाँ पर भी लिए जाते हैं। Yes, do follow us on the Instagram also for all the updates. एकाग्रता का Instagram handle है एकाग्रता_CA and my Instagram handle is CA_Darshan_Jain और ये है हमारी batch दोस्तों जो आप लोगों ने join कर ली है, और कुछ लोग जो YouTube पर है और मन में बात सजाए बैठे हैं कि हाँ हम ये भी batch, ये batch join करना चाहते हैं, तो बता दूं भाई ये बैच हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है, जिसका सेकेंड वीक है, तीसरा लेक्चर है। फीचर्स आपको जो मिल रहा है भाई, ऑल फैकल्टी एक्सेस, 9 मंथ्स की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वक्त देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज 40 इवैल्यूएटेड टेस्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बोलूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। Now, परसों एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें एक क्लियर हो गया भाई कि अब आपके एग्जाम्स कब होंगे। तो जिसने 1 मई के पहले रजिस्ट्रेशन किया है वो लोग सितंबर दे पाएंगे, ठीक है, और उसके बाद का जो अटेम्प्ट होगा इट विल बी इन जनवरी 25। नाउ मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी पूछा था कितने बच्चे ऐसे हैं जो सितंबर में देना चाहेंगे, तो मोस्ट ऑफ यू सेड कि सर हम तो सितंबर में देंगे, ठीक है, फ्यू ऑफ यू सेड कि सर मैं तो आराम से जनवरी में या दिसंबर में जब भी होगा तब दूंगा। तो अब तो क्लियर है भाई, द इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी सितंबर फॉर यू गाइस एंड उसके बाद होगा जनवरी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर सर हम लोग सितंबर में देना चाहते हैं तो व्हाट इज योर प्लानिंग रिगार्डिंग टू दैट, ठीक है, थोड़ा सा एक बार और आज डिस्कस कर लेंगे अबाउट दैट प्लान एंड देन वी शैल बी गुड टू गो फॉर आवर टॉपिक नंबर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी इन दिस कलर, ठीक है, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, दिस इज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्या है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स टॉपिक नंबर 1 to 6 बोथ बाय अंशुल एंड दर्शन, दोनों पढ़ाएंगे ये, ठीक है, वी बोथ विल स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स। हेडिंग हमारी दोनों की अलग अलग हो सकती है, मेरे पास अलग अलग हेडिंग है, ही मे टीच द सेम टॉपिक्स अंडर द डिफरेंट हेडिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कंटेंट अंदर का सेम रहेगा, हेडिंग हमारी अलग अलग रहेगी, ठीक। फिर उसके बाद अब जो टॉपिक्स हाईलाइट कर रहा हूं दे विल बी टॉट बाय अंशुल, ठीक है, लेट मी चेक वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले उन्होंने मुझे भेजा था, आपको एक बार मैं बता दूं। Yes, ठीक है, this one BRS, उसके बाद में accounting concept of AS, ठीक है, उसके बाद में depreciation and amortization, inventory valuation, bills of exchange and promissory notes। Now, जो ब्राउन कलर में मैंने हाईलाइट किया है इट विल बी टॉट एक्सक्लूसिवली बाय अंशुल, टू बी टॉट बाय अंशुल, ठीक है,
to be taught by Anshul sir. Okay, basics, rectification of errors, BRS, bills of exchange, inventory valuation, depreciation. Now, अब मेरे तीन फैमिली के चैप्टर्स, ठीक है, यू कैन नाउ अब मेरे तीन फैमिली के चैप्टर्स बच जाते हैं. तीन फैमिली है. पहली फैमिली कौन सी है? पहली फैमिली है फाइनल अकाउंट्स. पहली फैमिली है हमारी फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, हाइलाइटेड इन ग्रीन. फैमिली नंबर वन, इसको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स फैमिली, जिसमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस आ गया, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आ गया, और फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आ गया. ठीक है, ये एक फैमिली है चार चैप्टर की. फिर ये एक फैमिली है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप टॉपिक्स. ठीक है, पार्टनरशिप फैमिली, जिसमें सेवन टॉपिक्स है. और एक है तीसरी फैमिली, वो है कंपनी अकाउंट्स. ठीक है, ये तीन में से कोई भी दो टॉपिक्स, दो ग्रुपिंग मैं कवर करवाऊंगा. ठीक है, क्योंकि उतना ही समय हमारे पास होगा. इफ पॉसिबल तीनों, बट मिनिमम दो तो करवाऊंगा ही. ठीक है, अब बच जाते हैं बचे हुए टॉपिक्स. सर, बचे हुए टॉपिक्स का क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं फाइनल अकाउंट्स पढ़ा देता हूं और पार्टनरशिप पढ़ा देता हूं, देन यू आर लेफ्ट विद दिस कंपनी अकाउंट के टॉपिक्स. यू कैन वॉच अवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसका एक्सेस आपको ऑलरेडी दे दिया गया है. इधर ये सारे टॉपिक्स आप अंशुल सर के देख सकते हो, ठीक है, या आप मेरे देख सकते हो. दोनों के भी पुराने लेक्चर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा. पुराने मतलब ये वाले जो बैच है जून 24, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा. दैट मींस यू कैन कवर योर सिलेबस बिफोर योर सितंबर अटेम्प्ट. ठीक है, एक और ऑप्शन, यू आर ऑलरेडी गेटिंग एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स कंटेंट. ठीक है, ऑफ प्रीवियस बैच, मतलब मेरे सारे टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं. तकरीबन मैंने अकाउंट्स में अभी तक मेरे लगभग 80 के आसपास लेक्चर्स हो गए. टोटल 90-95 लेक्चर्स होंगे. यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल दोज लेक्चर्स. अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, मैं स्टार्टिंग में मैं रिकॉर्डेड देख के सिलेबस फटाफट से कंप्लीट करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को सितंबर अटेम्प्ट देना है, एंड आई वॉन्ट 1-2 months, कपल ऑफ मंथ्स बिफोर हैंड फॉर माई सेल्फ स्टडी, तो आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. क्लियर एवरीवन? सितंबर अटेम्प्ट में ये चैप्टर्स नहीं करवाओ. मैं क्या राम कहानी सुना रहा करे बैगन, राम कहानी सुना रहा करे मैं आधे घंटे से. सितंबर में ये चैप्टर्स नहीं करवा, फिर क्या सो रहा करे तू येड़ा? सब बताने के बाद ये नहीं करवाओगे क्या? इफ पॉसिबल तीनों फैमिली के टॉपिक्स होंगे, कम से कम दो तो होंगे ही होंगे लाइव, उसकी गारंटी है. ठीक है, जून वाले रिकॉर्डेड वीडियो शो नहीं हो रहे होंगे, हो रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स को, प्लीज चेक वंस. ठीक है, और अगर नहीं हो रहे होंगे तो शेयर मी योर डिटेल्स ऑन माय टेलीग्राम. ठीक है, डीएम करो मेरे को, मैं देखता हूँ क्या होता है. ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स के लेक्चर्स चल रहे हैं. सर यही तो बोला मैं, लाइफ का पक्का नहीं है. ठीक है, पक्का गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि अगर इस शेड्यूल से चलेंगे वीकली 2 days तो नहीं होगा. शेड्यूल बढ़ाने वाले हम लोग, लेकिन कितना बढ़ाने वाले हैं, क्या होने वाला है, वी आर नॉट येट श्योर. तो दो जो टॉपिक है, दो फैमिली के टॉपिक्स पक्का पढ़ाऊंगा लाइव, तीसरा भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसकी डिटेल्स आज नहीं दे पाऊंगा. जब तक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होता तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. Now, one sincere advice to everyone. अगर आपके दिमाग में ये thoughts आ रहे हैं कि सर मैं फटाफट से recorded lectures देख लूंगा for all the topics, तो मेरा अच्छे से syllabus हो जाएगा पहले,
तो वन सिंसियर एडवाइस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, डू नॉट वॉच एनी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अनलेस एंड अंटिल यू कंप्लीट बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. जब तक ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, इधर यू डू इट फ्रॉम अंशुल सर और माई सेल्फ, नो इश्यूज, बट डू नॉट वॉच एनी लेक्चर्स अनलेस एंड अंटिल यू कंप्लीट बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि आपके आगे के सारे टॉपिक्स बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पर ही डिपेंडेंट है. और मैं ये टॉपिक्स ले रहा हूं, अंशुल सर भी ये ले रहे हैं, बिकॉज वी बोथ फील दैट बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, और मेरा तो स्ट्रेंथ है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, बिकॉज आई फील कि ये पहले 6 चैप्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपके आगे के चैप्टर्स कैसे जाने वाले हैं. इफ यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग इन दिस फर्स्ट 6 टॉपिक्स, देन रेस्ट ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, जून वाले शो नहीं हो रहे हैं, हो तो रहे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक बार हाथों हाथ चेक करता हूँ, तुरंत चेक करता हूँ बेटा. अलाउ मी कपल ऑफ मिनट्स, मैं तुरंत चेक कर रहा हूँ. ठीक है, चलेगा, देख लेते हैं, आज इसको टीम से बात करके आपको एक्सेस दिलवा देंगे, टीम से बात करके एक्सेस दिलवा देंगे. वेट फॉर अ डे, मैं तुरंत तुरंत मैं ग्रुप में डाल देता हूं. ठीक है, जस्ट अलाउ मी कपल ऑफ सेकेंड्स मोर. चलिए नेक्स्ट करवा देता हूं, मैंने डाल दिया है मैसेज, जो भी होगा आई अपडेट. आ जाएंगे. सर आई एम परचेज कॉम्बो ऑफ ऑल टीचर्स बट सीए बिजनेस अकाउंट मैसेज मी दैट यू परचेज जेडी सर क्लास फॉर 750. ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी. आइए, सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक नंबर 1, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं फटाफट से. अवर टॉपिक नंबर 1, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. क्या है हमारा टॉपिक नंबर 1? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. द ग्रेट शेक्सपियर वंस सेड, नाम में क्या रखा है गाइज? द फैक्ट इज नाम में ही सब कुछ रखा है. बिकॉज वेन आई से दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अवर टॉपिक नंबर 1 एज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, एक फेयर आइडिया आपको आ चुका होगा कि वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है, उसका मतलब क्या है, उसका स्कोप क्या है, स्कोप मतलब क्या, उसकी रीच कहां तक होगी,
उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, लाइक उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, उनके लिमिटेशंस क्या होंगे, उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसको हम कहां कहां यूज कर सकते. ऑल इन ऑल ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट अकाउंटिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वेरी पर्टिकुलर टॉपिक. दो this topic is not very important from viewpoint of exam, दो या चार मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, that is also not sure, लेकिन very important topic from viewpoint of understanding आगे के topics, ठीक है, उस नजरिए से अगर हम चेक करेंगे तो काफी important topic है. ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इस topic में, let's see. सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कौन कौन से प्रोसीजर्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ये हम लोग चेक करेंगे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग चेक करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, users of accounting information, relationship of accounting with other disciplines and role of chartered accountants in society. Yes, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है. Yes, good morning Tanisha. पढ़ रहे बेटा आपके भी. सर बताइए ना आप जून 20 और बच्चों के लिए क्लास लेंगे ना, लेंगे ना बेटा, मई में रिविजन आएंगे ना बेटा, मिड नाइट रिविजन सीरीज होगा ना बेटा. चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. नाउ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ बिजनेस. जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ अकाउंटिंग का ग्रोथ हुआ. बिजनेस कैसे ग्रो हुआ, आइए बहुत पहले जाते हैं. पहले चलती थी बार्टर सिस्टम, देयर वाज नो करेंसी, बार्टर सिस्टम होता था. आप मुझे कोई चीज या सर्विस देंगे, मैं आपको कोई चीज या सर्विस दूंगा, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द कम्युनिटी, वो होता था बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम था पहले, फिर उसके बाद करेंसी पिक्चर में आई, तो विद इन द सिटी ट्रांजैक्शन होने लगे. बायर भी फ्रॉम सेम सिटी, सेलर भी फ्रॉम सेम सिटी. फिर विद इन डिस्ट्रिक्ट हुए, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में बायर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेलर है. फिर विद इन स्टेट्स, एक स्टेट में बायर है, दूसरे स्टेट में सेलर है, ठीक है. देन विद इन कंट्रीज, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बायर एक कंट्री में है, सेलर एक कंट्री में है. तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता गया, साइमल्टेनियसली अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग भी ग्रो होने लग गया, ठीक है. द बिजनेस टुडे हैज बिकम लार्ज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर. यस, पहले छोटे बिजनेसेस हुआ करते थे, बिजनेस अभी काफी बड़े हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. वाई कॉम्प्लेक्स, they have to comply with the n number of laws, ठीक है, GST follow करो, income tax follow करो, import export कर रहे हैं तो custom laws follow करो, foreign exchange management act follow करो, ठीक है, contract act follow करो. There are n number of compliances which needs to be done by the businesses. बहुत सारे law है, बहुत सारी formalities है, बहुत सारा procedure है जो हर किसी को, हर बिजनेस को कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड दैट इज द रीजन बिजनेस अब कॉम्प्लेक्स भी हो गया है. इन व्यू ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज अ साइंटिफिक अप्रोच टू रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस.
In the absence of scientific approach, accountants will be free to use their language and whatever they will record will not be necessarily understood in the same manner, in the same sense by the other person concerned. Very important. अब अकाउंटिंग में तो काफी ग्रोथ हो रही है. अब जब तक इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं लाते फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, इट विल बी ऑफ नो यूज. एक साइंटिफिक अप्रोच होना जरूरी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक अप्रोच? एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए विच इज फॉलोड बाय वन एंड ऑल, जो हर कोई फॉलो कर सकता है. तो साइंटिफिक अप्रोच इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू बी फॉलोड बाय वन एंड ऑल, ताकि सबके अकाउंटिंग करने का तरीका सेम हो. और हम लोग जो बताना चाहते हैं टू द स्टेक होल्डर्स विद द हेल्प ऑफ अवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दे शुड अंडरस्टैंड इट एज इट इज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक अप्रोच. Thus, uniformity and understanding the accounting records is possible only when the same standard of language is used. Okay. Now, very important guys. मान लो यू आर गुजराती, मैं भी गुजराती हूं, मान लो. ठीक है, मैं आपसे गुजराती में बात कर रहा हूं, फाइन. जो मैं कहना चाहता हूं आपको समझ में आएगा, आप जो कहना चाहते हो मुझे समझ में आएगा. ठीक है, बट इफ यू आर अ तेलुगु स्पीकिंग गाय एंड आई एम अ गुजराती, आई एम टेलिंग यू समथिंग इन गुजराती, विल यू अंडरस्टैंड इट? नो, बिकॉज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट कॉमन विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ ऑफ अस. हम दोनों को समझ में आएगा, ऐसा मीडियम मुझे चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट माई मैसेज वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू. तो अगर आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंचनी है और मेरी भावनाएं आप तक पहुंचनी है, तो देर शुड बी अ कॉमन लैंग्वेज टू बी यूज्ड बाय बोथ ऑफ अस. फॉर एग्जांपल से हिंदी, मैं हिंदी में बात करूंगा, हिंदी आपको समझ में आती है, तो देर विल बी नो प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन. इन द सेम मैनर अकाउंटिंग में ये होता है कि इफ यू आर गोइंग टू फॉलो सेम साइंटिफिक अप्रोच जो सब लोग फॉलो करेंगे, तो गाइज it will be easier for you to understand what I am trying to say by way of my accounting information. आप मतलब कौन? Stakeholders. Stakeholders मतलब कौन? Each and every person having interest in my business. You may be my shareholders. You may be general public. You may be government. You may be my creditor. You may be my debtor. You may be my employee. You all guys are interested in my business. You all are my stakeholders. So it's my basic responsibility to convey each and everything about my business to you by way of my accounting data. इसलिए कॉमन लैंग्वेज हमको यूज करनी पड़ेगी टू कन्वे द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस कैसा है. Accounting is often called as the language of business. Yes. अब हम एक दूसरे को कैसे पूछते हैं, हाँ कैसा है भाई, अच्छा है या बुरा है? ठीक है, सब अच्छा है. ऐसे बिजनेस को कैसे पूछते हैं, हाँ कैसे चल रहा है भाई बिजनेस? हाँ भाई अच्छा चल रहा है, कल परसों थोड़ा बुखार था अभी अच्छा है, ऐसा कहते हैं कि हम लोग? नहीं. We answer them कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, there is a growth of 10% in the profit, there has been a growth of 15% in the sales, my expenses have gone down by 5%. हम जो भी बात करेंगे, टेक्निकल बात करेंगे, अकाउंटिंग के फिगर्स जो हमको मिलते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर हम लोग बात करते हैं, तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग बताएगा कि हाउ योर बिजनेस इज डूइंग. The basic function of any language is to serve as a means of communication. Accounting also serves this function. एक language का role क्या होता है? भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है. Accounting वही करता है. Business की state क्या है? Business कैसे चल रहा है? ये बताता है to the all stakeholders by way of facts and figures. Now अब question ये आता है कि accounting शुरू कहां से हुआ? In its oldest form, accounting aided the stewards to discharge their stewardship function. राजा महाराजाओं के जमाने में भी accounting होती थी. आज जो double entry bookkeeping system होती है वैसे नहीं होती थी, एक अपना तरीका होता था तब accounting करने का, जहां पर हर दरबार में,
हर राजा के पास एक स्पेशल स्किलफुल पर्सन होता था जिसे मुनीम कहा जाता था या फिर भंडारी कहा जाता था। ठीक है, मैंने आपको इंट्रो लेक्चर में भी बताया था। तो एक स्पेशली स्किल्ड पर्सन हर किंगडम में होता था जो हिसाब किताब मेंटेन करता था कि कितना पैसा हमारे पास है, कितना कहाँ से आया, कितना कहाँ गया, कितना हमारे पास बचा है। ठीक है, तो उस जमाने से अकाउंटिंग चली आ रही है। फिर कुछ जो वेल्दी लोग हैं वो अपने पास स्टीवर्ड्स रखते थे टू मैनेज देयर प्रॉपर्टी, हिसाब किताब रखने के लिए, जिन्हें हम मुनीम कहते हैं। ठीक है, द स्टीवर्ड्स इन टर्न रेंडर्ड एन अकाउंट पीरियडिकली ऑफ देयर स्टीवर्डशिप, और उनका काम क्या होता था, सारा हिसाब किताब मेंटेन करे और अपने बॉस को, अपने राजा को, अपने मालिक को उसकी रिपोर्टिंग करे कि कितना हमारे पास था। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कितना हमारे पास था, कितना हमने और कमाया, कितना हमने खर्चा किया, कितना अब हमारे पास बचा हुआ है। दिस स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग वॉज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। अब कोई पूछता है कि भाई बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहां से आया था, तो ये स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग से आया था। वहीं से अकाउंटिंग का डेवलपमेंट शुरू हुआ, वहीं से अकाउंटिंग की ग्रोथ हुई। द प्रेजेंटली फॉलोड सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड ओनली इन 15th सेंचुरी। हम जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, दैट वाज डेवलप्ड इन 15th सेंचुरी। ठीक है, हाउएवर हिस्टोरियंस फाउंड द रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डेटिंग बैक टू 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट थे, 15th सेंचुरी में साइंटिफिक अप्रोच आया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। ठीक है, Although the double entry book system was followed, stewardship accounting served this purpose of business and wealthy persons at that time. Yes, double entry bookkeeping system आने के बाद भी वेल्दी लोगों के पास मुनीम होते थे। आज भी 1-2% लोगों के पास आज भी मुनीम है जो सारा हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। In India too, stewardship accounting was prevalent till the emergence of large scale enterprise in the form of public limited companies. ठीक है, तो दोस्तों आज भी कई लोगों के पास मुनीम आपको देखने मिलेंगे जो अपने ओनर के लिए, बॉस के लिए, एम्प्लॉयर के लिए हिसाब किताब रखने का काम करते हैं। तो इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में, अकाउंटिंग क्या है, कहां से शुरू हुआ और आज किस मोड़ पर अकाउंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट मुनीम रे नॉट मुनीम, मुनीम MUNIM। चलिए ट्रेडिशनल डेफिनेशन। नाउ लेट्स स्टडी द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ लो कर लो। सर मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। पहले आप बोलते हो कि साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करना है अकाउंट्स में, मतलब ये साइंस हो गया भाई, साइंटिफिक मतलब साइंस हो गया। अब यहां पे आप बोल रहे हो कि वो आर्ट है, और हमको हमको किस सिलेबस में दिया गया है, हमको कॉमर्स के सिलेबस में दिया गया है। मतलब सर ये दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा मेरे को। पहले आप बोलते हो कि इसमें साइंटिफिक अप्रोच होगा तो ये साइंस हो गया, अब आप कह रहे हो कि यार ये आर्ट है और हमको डाल दिया कॉमर्स के सिलेबस में, ऐसा क्यों सर? अकाउंटिंग इज अ साइंस। व्हाई? क्योंकि इट फॉलोज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। जहां पर भी सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो होगा वो साइंस है। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? सिस्टमैटिक अप्रोच जहां पर भी होगा, साइंटिफिक अप्रोच जहां पर भी होगा वो साइंस है। सर फिर ये आर्ट क्यों है? यस, अकाउंटिंग इज आल्सो एन आर्ट, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हाँ मैं अकाउंटिंग कर लूंगा तो यू विल रिक्वायर अ स्किल, इट्स एन आर्ट, ये कला है बेटा, ये हर किसी को नहीं आएगी। ठीक है, यू नीड अ स्पेशल स्किल, ये कला है जो आपको समझ में लानी पड़ेगी तब जाकर आप अकाउंटिंग करोगे, इट्स अ स्किल। और कॉमर्स में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? बिकॉज इट रिलेट्स टू कॉमर्स, इट रिलेट्स टू बिजनेस।
तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट. आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शन. क्लासिफाई. क्लासिफाई मतलब क्या करना है? एक नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह लेकर आना है. समराइज. इन नटशेल क्या आउटकम था हमारे सारे ट्रांजैक्शंस का? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज होंगे? ओनली विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है. अच्छा, क्या रिकॉर्ड होगा, क्या क्लासिफाई होगा, क्या समराइज होगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड होंगे? नहीं, केवल वही जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं. अच्छा, क्या यहां पर अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा? जी नहीं, उसका रिजल्ट भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है. तो इन शॉर्ट, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट. आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. ठीक है. तो भैया क्या क्या रिकॉर्ड करें? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. व्हाट? बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. क्या सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे, क्लासिफाई होंगे, समराइज होंगे? नो, ओनली दोज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स. चलिए, तो सर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग कर लिए तो हो गया क्या? ना, लास्ट स्टेप इज इंटरप्रीट द रिजल्ट. क्या कहना चाह रहे हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इंटरप्रीट द रिजल्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड, व्हाट इज टू बी क्लासिफाइड, व्हाट इज टू बी समराइज? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है. ठीक है सर, क्या सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड होंगे, क्लासिफाई होंगे, समराइज होंगे? जी नहीं, ओनली दोज विच आर फाइनेंशियल इन नेचर. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. अच्छा सर, इतना कर देंगे तो अकाउंटिंग हो गया क्या? जी नहीं, अकाउंटिंग में लास्ट स्टेप विल बी टू इंटरप्रीट द रिजल्ट एज वेल. ये है ट्रेडिशनल डेफिनेशन. ट्रेडिशनल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? कि जो पुराने जमाने से चला आ रहा है. ठीक है. मॉडर्न डेफिनेशन. मॉडर्न डेफिनेशन मतलब आज के युग में अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है. आज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब मैं अगर मैनुअल तरीका आपको बताऊं तो क्या होता था पहले? पहले यह तय किया जाता था ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है. फिर यह तय किया जाता था कि चलो फाइनेंशियल है तो किस वैल्यू में रिकॉर्ड करे. नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स. ठीक है. सेकेंड तरीका, चलो भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो किस वैल्यू में रिकॉर्ड करे इसको. ठीक है. फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास की जाती थी मैन्युअली. फिर उसका लेजर पोस्टिंग करते थे मैन्युअली. फिर लेजर बैलेंसिंग होता था मैन्युअली. फिर ट्रायल बैलेंस बनता था मैन्युअली. और फिर फाइनल अकाउंट्स बनते थे. फिर तब जाके फाइनल अकाउंट्स बनता था. ठीक है. अब क्या है, पहले आपको यह तय करना है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, which was common in traditional way also. पहली चीज कॉमन है. दूसरी चीज, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो किस वैल्यू में रिकॉर्ड करें, वो यहां पर भी करना है. दिस इज ऑल्सो कॉमन.
तीसरी चीज जर्नल एंट्री पास करनी है, यहां पर भी करनी है, दिस इज ऑल्सो कॉमन। अब पहले जो लेजर पोस्टिंग, लेजर बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स जो मैन्युअली करना पड़ता था, आज वो कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होती है। वंस यू पास द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री अगर आप पास कर लेते हो तो उसका लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिक होगा, उसका लेजर बैलेंसिंग ऑटोमेटिक होगा, उसका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बनेगा, उसका बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बनेगा। तो इन द एजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। तो आज का क्या हो गया भाई, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज इन टूडेज एज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट आप देंगे जर्नल एंट्री, वो अपने आप से लेजर पोस्टिंग करेगा, अपने आप से लेजर बैलेंस करेगा, अपने आप से ट्रायल बैलेंस बनेगा, अपने आप से फाइनल अकाउंट्स बनेगा और आपको आउटपुट दे देगा, आपको जो रिपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगी ऑटोमेटिक। द अकाउंटिंग कैन अल्टरनेटिवली बी डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हिच एक्सेप्ट्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एज इनपुट, प्रोसेसेस देम इन द फॉर्म ऑफ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, final accounts and fund flow statement, cash flow statement, analysis and interpretation, etc. and output of which is accounting reports which are communicated to the users of accounts. journal entry pass kar lo, sab kuch automatic ban jayega, reports aapko mil jayenge in the form of cash flow statement, fund flow statement, final accounts, jo ki aap aapke users ko communicate kar sakte ho. theek hai, ek baar dono bhi definition pad lenge. मैसेज आ चुका है टीम से रिलेटिंग टू एक्सेस ऑफ लेक्चर्स, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। टीम विल अपलोड लेक्चर्स ऑन आवर रिस्पेक्टिव कोर्सेज, वी टोल्ड देम टू स्टार्ट दिस फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड्स एज वी वांटेड स्टूडेंट्स टू सी फर्स्ट 2 वीक लाइव। ओके यस, तो एज आई सेड कि हमारा इंटेंशन है कि पहले आप लाइव देख ले, समझ ले कैसा सिस्टम है, क्या होता है, पूरी चीज़ों को आप समझ ले और उसके बाद आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। तो 1 मई से यू विल हैव एक्सेस टू लाइव लेक्चर्स। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करते हो, एटलीस्ट फॉर अकाउंट्स डू नॉट वॉच एनी लेक्चर, ठीक है, आगे के कोई भी लेक्चर्स आपको देखने नहीं है, लर्न नहीं करना है कुछ भी, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, कुछ भी लर्न नहीं करना है, नथिंग इज टू बी लर्न, एवरीथिंग इज टू बी अंडरस्टूड, लर्न कुछ भी नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स इट। आइए नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नाउ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमें क्या रिकॉर्ड क्लासिफायर समराइज करना है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आइए दोस्तों ट्रांजैक्शन क्या है समझते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, चेक। इन कॉमन पार्लेंस ट्रांजैक्शन मींस एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। मैं गाना गा रहा हूं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। मैं लेक्चर ले रहा हूं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। इफ आई एम सम सेइंग समथिंग, इट्स अ ट्रांजैक्शन। मैं डांस कर रहा हूं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। एन एक्सचेंज, मैं ये पेन आपको दे रहा हूं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। आई एम गिविंग यू माय कैलसी, इट्स अ ट्रांजैक्शन। आई एम गिविंग यू माय सेलफोन, इट्स अ ट्रांजैक्शन। अ ट्रांसफर, मैं ये सारी चीजें आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। However, for the purpose of accounting, only those transactions are taken into consideration which are financial nature. वैसे तो जो मैं करता हूं इट्स अ ट्रांजैक्शन, लेकिन अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजैक्शन मैं कंसिडर करूंगा जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। Now the question arises कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहे किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। First, it should alter the financial position of the concern, मतलब उस ट्रांजैक्शन के वजह से फाइनेंशियल पोजीशन अल्टर होनी चाहिए।
या तो मेरा कुछ जाना चाहिए या मेरे पास कुछ आना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टूडे इज माई हैप्पी बर्थडे एंड यू गाइज गिफ्टेड मी आईफोन 15, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉट, आइए एनालाइज करेंगे। इट शुड अल्टर द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पार्टीज, यस इट इज अल्टरिंग फाइनेंशियल पोजिशन, अल्टर हो रही है फाइनेंशियल पोजिशन, बिल्कुल अल्टर हो रही है। फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल अल्टर हो रही है। आपका कुछ खो गया, यानी आपके पास से कुछ चला गया, मेरे पास कुछ आ गया, मेरे पास फोन आ गया। यस, पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो चुकी है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन तो अल्टर हुई है, आपके पैसे गए और मेरे पास फोन आया है। सेकेंड, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, अब क्या ये मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है क्या? नो। आर यू चार्जिंग मी एनीथिंग फॉर दैट गिफ्ट, ठीक है। आप मेरे हैप्पी बर्थडे पे आए, पार्टी वार्टी आपने एंजॉय की, ठीक है, आखिरी में आपने गिफ्ट दिया, फोटो वोटो खिंचा ली, ठीक है। फोटो खींचने के बाद बोलते जाते जाते सर इसके 1.5 लाख रुपए पहुंचा देना कल, ऐसा बोलेंगे क्या आप? नहीं बोलेगी, ठीक है। देर इज अल्टरेशन इन फाइनेंशियल पोजिशन बट इट इज नॉट एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? जी नहीं। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? इट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि टू क्लासिफाई एनी ट्रांजेक्शन एज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये दोनों भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है, कोई भी एक होता है, तो भी इट विल बी अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दोनों होना जरूरी है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। एग्जांपल लेते हैं, परचेज ऑफ असेट ऑफ 1 लाख रुपीज इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जी हाँ मैंने असेट परचेज किया क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन अल्टर हो रहा है, मेरा कैश चला गया 1 लाख का और मेरे पास असेट आ गया, तो भाई फाइनेंशियल पोजिशन तो अल्टर हो रही है। पहले से और अभी में देर इज अ चेंज इन माय फाइनेंशियल पोजीशन, क्या ये मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस है? जी हाँ, इट इज एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, देर इज अ फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, इट्स अ ट्रांजैक्शन। आइए एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। सपोज द कस्टमर्स ऑफ द फर्म आर अनसेटिस्फाइड, मेरे कस्टमर्स जो है अनसेटिस्फाइड है ड्यू टू सडन चेंज इन सेल्स पॉलिसीज, then although it would have a very bad effect on the business, but since that effect cannot be measured in terms of money, it is not a financial transaction, so will not be recorded in the books of accounts. अब मेरे customer satisfied नहीं है, इससे मेरी financial position affect हो रही है, लेकिन कितनी affect हो रही है, कैसे हो रही है, दिया है क्या? Can it be expressed in monetary terms? No. अब जो मेरे से नहीं खरीद रहा है वो मेरे को फोन करके बोलेगा क्या? देख भाई, मैं तेरे से 50,000 का माल खरीदने वाला था लेकिन मैंने खरीदा नहीं क्योंकि तेरी पॉलिसी ना मेरे को समझ में नहीं आई, मेरे को पसंद नहीं आई। इट इज अफेक्टिंग माई फाइनेंशियल पोजिशन बट आई कैन नॉट क्वांटिफाई इट, मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता मॉनिटरी टर्म्स में कि कितना मेरा फाइनेंशियल पोजिशन चेंज हुआ है, कितना मुझे ये अफेक्ट कर रहा है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं छोटा, बताना दोस्तों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अपॉइंटेड मिस्टर चेतन एज अ मैनेजर ऑफ द बिजनेस, अपॉइंटेड मिस्टर चेतन एज अ मैनेजर ऑफ द बिजनेस एट अ सैलरी ऑफ
₹1 लाख पर मंथ। बताना दोस्तों, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है? ए इज इट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बी और इज इट अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, एक बार फिर बता दूं, मेरे क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होते हैं जितने आपको लगते हैं, तो प्लीज प्लीज अप्लाई योर माइंड बिफोर आंसरिंग माय क्वेश्चंस। चलिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह रहे हैं बच्चे। चलो भाई बता दो कैसे फाइनेंशियल पोजीशन अल्टर हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हो गई, जरा बताइए प्लीज। वेरी गुड सोनाली, अगेन वेरी इंप्रेसिव, कीप इट अप। अरे भाई केवल अपॉइंट किया है, अपॉइंट करने से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अल्टर हो जाएगी क्या? चल भाई तेरे को अपॉइंट कर दिया, मेरे पैसे चले गए क्या, उसकी सर्विस आ गई क्या? अरे केवल अपॉइंट किया है, देयर इज नो अल्टरेशन इन फाइनेंशियल पोजीशन। दो इट इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, ये मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है कि अगर फ्लो होगा मनी का तो कितना होगा, 1 लाख होगा, अमाउंट दिया हुआ है, बट देयर इज नो अल्टरेशन इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कब अल्टर होगी? जब सैलरी पे करूंगा या जब सर्विसेज लूंगा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। डिड यू गेट दैट? वी आर गेटिंग सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी, वी आर नॉट गेटिंग। मिली क्या बेटा? मिलेगी, ठीक है, मिलेगी। मिली क्या? नहीं मिली अभी तक, ठीक है। गौरव बेटा वो अभी तक मिली नहीं अपने को, और अपन हनीमून के सपने देख रहे हैं। मिली क्या बेटा? एक बार मिलने दे, फिर आगे की बात करेंगे। आई होप एवरीवन गॉट दिस, किसी को कोई शक? इसके और बहुत से एग्जांपल्स हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे, यहां पर तो केवल एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दूसरी जो चीज है वो है भाई आपकी इवेंट। इवेंट मतलब क्या सर? वही शादी सगाई बर्थडे इवेंट होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं क्या? ना, यहां पर इवेंट का मतलब अलग होगा। इवेंट मतलब क्या? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। ट्रांजैक्शन होने के बाद जो बच गया उसे कहते हैं हम लोग इवेंट। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट कैन बी प्रॉपरली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। मिलने के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा? बिल्कुल होगा। सपोज मिस्टर एक्स स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, क्या ये? इट इज अ ट्रांजैक्शन। During the whole year he makes purchase and sale of goods, it is a transaction. He earns a net profit of 10,000. उसने business चालू किया, उसने goods खरीदे, उसने goods बेचे, ये सब करने के बाद उसका result आया 10,000 का net profit. क्यों आया ये net profit? क्यों आया ये नेट प्रॉफिट? क्योंकि भैया ट्रांजैक्शन हुए थे, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है ये प्रॉफिट। क्या ये रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल होगा। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर ही हैज द कैश बैलेंस ऑफ 15,000। अब ये सब सारी चीजें करने के बाद, सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद उसके पास 15,000 रुपए बचे। इट इज अ इवेंट, रिकॉर्ड होगा। स्टॉक बचा 50,000 का, इट इज अ इवेंट, रिकॉर्ड होगा। सन्ड्री डेटर्स, इट इज अ इवेंट, रिकॉर्ड होगा।
कभी आपने सोचा है बैलेंस शीट में डेटर्स क्यों दिखता है? वो तो ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इट्स अ इवेंट। ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री होता है, इवेंट का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, ठीक है। आई रिपीट, ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री होता है, इवेंट का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स मीन्स व्हाट? लो गई भैंस पानी में। बताया ना रे, अकाउंटिंग की एबीसीडी में साइंस वाला है करे तू। सन्ड्री डेटर्स मतलब जिन लोगों से हमें पैसे आने होते हैं। मान लो किसी को मैंने उधारी में गुड्स बेच दिया, उससे जो पैसे आने हैं उसे कहते हैं, उन व्यक्तियों को कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। Now in this situation, starting of business, purchasing of goods, selling of goods are financial transactions. And बाकी की जो चीजें है दोस्तों, earning of profit, having a cash balance of 15,000, having a stock of 50,000, having a debtors of 45,000, these are the consequences of the transaction. ये भी record होगा। Did you get that everyone? समझ में आया सभी को? Transaction event very important. बहुत से लोग सीए बन गए आज, लेकिन ये नहीं पता है उन लोगों को कि ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट क्या है, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दिस। पढ़ लेना। सर इवेंट से बैलेंस शीट एज अ क्लोजिंग बैलेंस, यस राइट। ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या है, क्या बच रहा है, क्या बैलेंस हो रहा है, दैट इज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल अजय से, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आइएगा। ये है हमारे अजय का अकाउंट, ठीक है। अजय कौन है भाई? अजय है हमारा डेटर। इवेंट की क्या होगी? लेजर पोस्टिंग। साल के पहले दिन, साल के पहले दिन अजय से 1 लाख रुपए आने थे, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर उसको मैंने 50,000 के गुड्स बेचे, एंट्री टू सेल्स 50,000। मैंने और 50,000 के गुड्स उसको बेचे, टू सेल्स 50,000। फिर उसने मुझे कैश दिया 10,000, बाय कैश 10,000। फिर उसने मुझे चेक दिया 20,000 का, बाय बैंक 20,000। फिर मैंने उसको डिस्काउंट दिया 5,000 का, बाय डिस्काउंट 5,000। फिर उसने मुझे फिर से चेक दिया बाय बैंक, ठीक है, कितने का? 1 लाख रुपए का। अब इतने साल भर में ट्रांजैक्शन हुए, उसका लेजर मैं क्लोज करता हूं, ठीक है। जिसको समझ में आया है, अब साइंस वाले ये लेजर समझेगा नहीं, ठीक है। सिर्फ देखते रहो बेटा, आनंद लो, ठीक है। सिर्फ आनंद ले बेटा अभी, कि क्या चल रहा है, टेंशन मत ले ज्यादा। नेक्स्ट, ये सब चार सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। कितने हो गए भैया? डेबिट साइड में 2 लाख, क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा 2 लाख, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 2 लाख, -10,000, -20,000, -5,000, -1 लाख, 65,000 रुपीज अभी भी आना बाकी है। जो रेड में लिखा है ये सारे ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्री इनकी हुई है तब जाके यहां पर आए, ठीक है। और दोस्तों पर्पल में जो लिखा है, इट इज अ इवेंट। सारा ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या हुआ? ये पिछले साल सारा ट्रांजैक्शन किए थे तो इतना बैलेंस बचा था, जो इस साल मैंने ओपनिंग बैलेंस ले लिया। इस साल सारे ट्रांजैक्शन हुए, उनका इफेक्ट, उनका रिजल्ट क्या हुआ? उनका रिजल्ट ये है कि भैया अब अजय से 65,000 अभी भी लेने हैं। दीपक, टू बैलेंस कैरी डाउन 65,000, मेरे भाई बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, डेबिट बैलेंस से मेरे दोस्त, मत कर रहे ऐसे, मत कर रहे ऐसे।
आई होप एवरी वन गॉट दिस। ट्रांजेक्शन और इवेंट में किसी को कोई दिक्कत? वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, किसी को कोई दिक्कत? सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, अरे बैगन बाय बैलेंस कैरिट डाउन होगा रे, सीडी और बीडी नहीं समझ रहा तेरे को अब। क्या कर रहा बेटा दीपक, क्या कर रहा रे बेटा। चलिए नेक्स्ट आइएगा, पढ़ते हैं आप प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या प्रोसीजर्स है, आइए लेट्स सी। सबसे पहले होगा रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एज एविडेंस बाय सच सम डॉक्यूमेंट्स सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक कॉल्ड जर्नल। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसके बेसिस पर होगी? डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। मान लो मैंने एसी परचेज किया, परचेज बिल होना चाहिए उसका, उसके बेसिस पर उसकी जर्नल एंट्री होगी। मैंने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड किए जो बैंक ने मुझे लगाए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी बैंक पासबुक। मैंने सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर दी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी सेल्स बिल इशूड टू कस्टमर। मैंने सैलरी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, द डॉक्यूमेंट विल बी सैलरी स्लिप। आई होप दिस इज क्लियर। जब बैलेंस बचता है तो बैलेंस कैरिड डाउन होता है दीपक। यस वेरी गुड संध्या, पढ़ेंगे डिटेल में आगे, वही सारी चीजें हैं, नो नीड टू वरी। दूसरा है क्लासिफाइंग। नाउ जब रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना पड़ता है। सर मतलब मान लो 10 बजे मैंने शॉप चालू की, 10 बजे परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्ड हो गया। 10:30 बजे और परचेज किया, रिकॉर्ड हो गया। 11 बजे सेल हुआ, रिकॉर्ड कर दिया। 11:30 बजे सैलरी दी, रिकॉर्ड हो गई। रेंट 12 बजे पे किया, रिकॉर्ड कर दिया। फिर 12:15 बजे और सेल हुआ, रिकॉर्ड कर दिया। 12:30 बजे सेल हुआ, रिकॉर्ड कर दिया। 1 बजे फिर सेल हुआ, रिकॉर्ड कर दिया। 2 बजे फिर सेल हुआ, रिकॉर्ड कर दिया। अरे 2 बजे कैश डिपॉजिट की बैंक में, फिर रिकॉर्ड हो गया। 3 बजे विड्रॉ किया बैंक से, रिकॉर्ड हो गया। फिर सेल किया, 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 रिकॉर्ड हो गया। बिजनेस बंद हो गया। बंद मतलब दुकान बंद हो गई भाई, बिजनेस बंद नहीं हुआ, दुकान बंद होने का समय हो गया। तो भाई किया क्या हमने? हम यहां पर सारे ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करने में क्या दिक्कत है? गधे और घोड़े सब एक साथ आ गए। अब सर ये गधे और घोड़े कहां से बीच में आ गए? गधे और घोड़े एक साथ आ गए इसका मतलब क्या हुआ? इसमें परचेस का भी ट्रांजैक्शन मिक्स हो गया, सेल का भी मिक्स हो गया, रेंट भी आ रहा, सैलरी भी आ रही, सेल्स भी आ रहा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक भी आ रहा, कैश डिपॉजिट इन बैंक भी आ रहा, सारे ट्रांजैक्शन मिक्सअप हो गए, सारी खिचड़ी बनी हुई है, क्योंकि आपको तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना था। द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या करते हैं? सेपरेटिंग द गधाज एंड द घोड़ाज। अब दूसरी स्टेप में हमको करना क्या है? चलो भैया गधे घोड़े सब मिक्स हो गए, गधों को अलग करो और घोड़ों को अलग करो। सर मतलब क्या? एक टाइप के ट्रांजैक्शन अब एक जगह आने चाहिए। जैसे परचेस के ट्रांजैक्शन एक जगह आने चाहिए, सेल के ट्रांजैक्शन एक जगह आने चाहिए, सैलरी के ट्रांजैक्शन एक जगह आने चाहिए, अरे अजय के ट्रांजैक्शन एक जगह आने चाहिए, विजय के ट्रांजैक्शन एक जगह आने चाहिए, सबके ट्रांजैक्शन
एक साथ अब दिखने चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर सारी खिचड़ी बन गई है और मैं आपको पूछ रहा हूं यार बता दिन भर में कितने परचेज के ट्रांजैक्शन हुए, आपको जनरल बुक निकाल के कैलसी हाथ में लेके देखना पड़ेगा, ये पेज पे कितने है, ये पेज पे दो है, उसकी टोटल करो, अगले पेज पे कितने दो है उसकी टोटल करो, यू विल नॉट बी एबल टू गिव मी एन आंसर कि भैया आज दिन भर में कितना परचेज हुआ, क्योंकि खिचड़ी बनी हुई है, ठीक है? अब जो सेकेंड स्टेप है हमारी क्लासिफाइंग, इसमें हम एक टाइप के ट्रांजैक्शन एक जगह करते हैं जिसे कहते हैं दोस्तों लेजर पोस्टिंग। सेल्स का अकाउंट सारे सेल के ट्रांजैक्शन आएंगे, सैलरी का अकाउंट सारे सैलरी के ट्रांजैक्शन आएंगे, रेंट का अकाउंट सारे रेंट के ट्रांजैक्शन आएंगे। क्लासिफिकेशन इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा with a view to group transaction or entries of one nature at one place so as to put information in a compact and a usable form. Classifying मतलब क्या? एक type के transaction को एक जगह लाना है ताकि उसमें से कुछ meaningful information हम लोग निकाल सके। The book containing classified information is known as ledger. Ledger मतलब account. This book contains on different pages individual account heads under which all the financial transactions of similar nature are collected. ये एक बुक होगा जिसमें सैलरी अकाउंट रहेगा, सारे सैलरी के ट्रांजैक्शन आएंगे, रेंट अकाउंट होगा सारे रेंट के ट्रांजैक्शन आएंगे, अजय अकाउंट होगा सारे अजय से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल देयर मे बी अ सेपरेट अकाउंट हेड फॉर सैलरी रेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी अकाउंट है सैलरी के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ, रेंट अकाउंट है रेंट के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट है सारे ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड वहीं पर आएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। All expenses under these heads after being recorded in journal will be classified under separate heads in the ledger. This will help out in finding out the total expenditure incurred under each of the above heads. क्या फायदा है classify करने का? Usable information मिलेगा। मैं आपको बोलूं बताओ भाई साल भर में purchase का transaction कितना हुआ? You will have that data ready with you, ठीक है? तीसरा स्टेप है हमारा समराइजिंग। इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर यूजफुल टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रायल बैलेंस पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा है भैया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है? लेजर बैलेंसिंग। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि एक साल में कितने परचेज के ट्रांजैक्शन हुए, एक साल में कितने सैलरी के ट्रांजैक्शन हुए, ठीक है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, कितने सेल ट्रांजैक्शंस हुए। मेरा इंटरेस्ट होता है कितनी सैलरी दी गई इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, कितना परचेज किया गया है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, कितनी सेल्स हो रही है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, ये मेरा इंटरेस्ट होता है, ठीक है? तो इसे कहते हैं समराइजिंग कि एक सिंगल फिगर मुझे चाहिए। अरे लाखों ट्रांजैक्शन आपके परचेज किए हुए होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उन लाखों ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैंने हजारों सैलरी के ट्रांजैक्शन किए होंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो हजारों ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है? So guys, very important, summarizing कहाँ करते हैं हम लोग? ट्रायल बैलेंस में, कि भाई साल भर के ट्रांजैक्शन कंसिडर करके बताओ समरी क्या है, सेल कितने का हुआ, परचेज कितने का हुआ, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद है फिर एनालाइजिंग। भाई आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, लेकिन उसको आपको प्रॉपर जगह बिठाना भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल से रिलेटेड आइटम कैपिटल में ही जाएंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज सारी एक साथ दिखेगी, फिक्स असेट्स सारे एक साथ दिखेंगे, करंट असेट्स सारे एक साथ दिखेंगे, दैट इज एनालाइजिंग, ठीक है? द टर्म एनालिसिस मींस मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प एनीवन अनलेस दे आर इन अ सिंपलीफाइड फॉर्म। अरे भैया फिक्स असेट्स सारे एक साथ लिखो,
करंट असेट्स सारे एक साथ लिखो, तब जाके और उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑल आइटम्स ऑफ रिलेटिंग टू फिक्स्ड असेट्स आर पुट एट वन प्लेस, व्हाइल ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू करंट असेट्स आर पुट एट अनदर प्लेस. आई होप दिस इज क्लियर. तो एनालाइजिंग कहां होगी भाई? ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट. सो ट्रेडिंग और पीएल में कैसे होगा? परचेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक साथ दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एक साथ दिखाते हैं, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेलिंग एक्सपेंसेस अलग, एडमिन एक्सपेंसेस अलग, फाइनेंस एक्सपेंसेस अलग, ठीक है क्या? अब फाइनल अकाउंट्स भी बन गए. खत्म हो गए क्या अकाउंटिंग? नहीं, हमने तो डेफिनेशन में ही दिखा. क्या देखा भाई? डेफिनेशन में आखिरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट द रिजल्ट. क्या बता रहा है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फाइनल फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. इट इज कंसर्न्ड विद द एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप एज एस्टैब्लिश्ड बाय द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा. अब जो आपका फाइनल अकाउंट से उसको एनालिसिस करो कि बिजनेस की पोजीशन कैसी, अच्छी है या बुरी है, ठीक है. इंटर रिलेशनशिप डिफाइन करो, रेशियो एनालिसिस याद करो, जीपी कितना है, एनपी कितना है, आरओआई कितना है, करंट रेशियो कितना है. द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज एंड इंटरप्रिटेड इन अ मैनर दैट विल बी एनेबल टू द एंड यूजर्स टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. एनालाइज करो, इंटरप्रीट करो कि भाई बिजनेस क्या कहना चाह रहा है, और जितने भी यूजर्स है सारे लोग इंटरप्रीट करेंगे. एम्प्लॉय है वो इंटरप्रीट करेगा, गवर्नमेंट है वो इंटरप्रीट करेंगे, शेयर होल्डर्स है वो इंटरप्रीट करेंगे कि भाई बिजनेस कैसे चल रहा है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली व्हाट हैड हैपेंड बट ऑल्सो व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन. इंटरप्रिटेशन क्यों करना है? कुछ भी लिखना नहीं है करण. इंटरप्रिटेशन क्या करवाता है आपसे? क्या हुआ है ये बताता है, क्यों हुआ है ये बताता है, और उसके बेसिस पर आगे क्या होने वाला है उसका इंडिकेशन भी देता है. और दोस्तों आखिरी स्टेप है कम्युनिकेशन. हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स के लिए, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है सबके लिए, जिसमें शेयर होल्डर आ गया, एम्प्लॉय आ गया, गवर्नमेंट आ गया, जनरल पब्लिक आ गई, डेटर आ गया, क्रेडिटर आ गया, बैंकर्स आ गया, ये सारे स्टेक होल्डर्स जो है ये मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है. सर बैंकर कैसे? भैया उन्होंने आपको लोन दिया है. सर क्रेडिटर कैसे? अरे भैया उन्होंने आपको उधारी में माल दिया है, उनको ये जानने का हक है कि आप सही कर रहे हो गलत. सर गवर्नमेंट कैसे? अरे भैया गवर्नमेंट को आपसे टैक्स कलेक्ट करना है. तो कितना टैक्स कलेक्ट करना है वो तो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही बताएगा. सर एम्प्लॉई, अरे भैया वो जानना चाहता है कि आपका फ्यूचर सेफ, उसका फ्यूचर सेफ है या नहीं है आपकी कंपनी के साथ. It is concerned with the transmission of summarized, analyzed and interpreted information to the end users, enable them to make rational decision. क्योंकि इन सबको decision लेना है आपके financial information के basis पे. अरे bank ने decide करना है कि मैंने इसको loan देना है या नहीं देना है. Creditor ने decide करना है कि मैंने इनको और माल उधारी में देना है या नहीं देना है. अरे गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि मैंने कितना टैक्स इनसे कलेक्ट करना है. अरे एम्प्लॉय ने डिसाइड करना है कि मैंने इनके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. और ये सब अपना डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. दिस इज डन थ्रू प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स व्हिच इंक्लूड्स बिसाइड्स द यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, ग्राफ, डायग्राम, फंड फ्लो स्टेटमेंट. सारे स्टेक होल्डर्स को डायग्राम्स दिए जाते हैं, रेशियोज दिए जाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट दिया जाता है कि देखो भाई ये हमारी सिचुएशन है, आप इंटरप्रेट कर लो कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है. नाउ पहले जो 6 टॉपिक से ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले जो 6 टॉपिक से ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है. अब बहुत से स्टूडेंट्स आप में ऐसे हैं कि सर मैं तो यार अकाउंट्स में तो मैं चैंपियन हूँ सर, ट्वेल्थ में 80 मिले, 90 मिले, 95 मिले, 100 मिलने वाले हैं,
तो सर मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये आपका बेसिस ऑफ अकाउंट स्किप कर देता हूँ, इसमें सब चीजें मेरे को मालूम है सर। अब आपने जो आज पढ़ाया 75% चीजें हमको मालूम थी, क्या नया मेरे दिमाग में गया? कुछ कुछ लोग तो बोलेंगे तो पूरी 100% चीजें मेरे को मालूम थी। यही आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये आपको लगता है कि आपको आता है, ये आपको लगता है कि आपको आता है बेसिक्स ऑफ अकाउंट, सिचुएशन में भी समथिंग एल्स। क्योंकि अगर आपको आता होता तो आप परसों स्ट्रगल नहीं करते, आप हमारे पिछले लेक्चर में स्ट्रगल करते क्या? नहीं करते। तो हमको लगता है कि यार हमको आता है अकाउंट्स, ये बेसिस ऑफ अकाउंट्स में कौन टाइम पास करे, उससे अच्छा मेरे को तो सप्टेबर देना है। मैं काम करता हूं, मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेता हूँ पहले, ये तो मेरे को सब आता है। अब वही सर जर्नल एंट्री पढ़ाएंगे, लेजर पोस्टिंग पढ़ाएंगे, लेजर बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, ये सब आता है मेरे को, मैं नहीं पढ़ने वाला इस चक्कर में। गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, ठीक है? आता है फिर से पढ़ो, एंड आई एम श्योर पहले 6 चैप्टर होने के बाद रियलाइज करोगे कि यार मुझे कुछ आता था, मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत कुछ नई चीजें मैंने अभी सीखी है जो मुझे लगता था कि मुझे आती थी, ठीक है? ये आप देख लेना, आफ्टर 6 टॉपिक्स योर बेसिक्स विल बी क्लियर, योर लॉजिक्स विल बी क्लियर, एंड यू विल बी मोर स्ट्रांग इन अकाउंटिंग, ठीक है? आगे के टॉपिक्स बहुत मक्खन जैसे लगेंगे। इन एनी केस डू नॉट स्किप दिस 6 टॉपिक्स। आप कितने ही होशियार होंगे, आपको 99% मिलेंगे 12th में, 98 मिले होंगे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट एज वेल एज टीचर फॉर द पास्ट 12 इयर्स, डू नॉट स्किप दिस, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर से रिज्यूम करेंगे, कल पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब नोटिफिकेशन आ चुका है सितंबर में एग्जाम का, तो हम भी हमारा टाइम टेबल एक बार देखेंगे कि क्या करना है, कितना एक्सटेंड करना है, एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1st मे, ठीक है? एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम। माई आई डी इज CA_Darshan_Jain, सेम इज द आईडी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम, डीएम कर सकते हो। सर मुझे तो अभी से लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे पता ही नहीं था, याद आधा पता था। यस, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने भी वाला है, ठीक है? बिकॉज द लेवल ऑफ नॉलेज यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव इन 12th स्टैंडर्ड एंड द लेवल ऑफ नॉलेज यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव इन सीए फाउंडेशन इज टोटली डिफरेंट, जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ डू नॉट स्किप दिस बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। लगेगा यार मेरे को सब आता है, बट प्लीज अटेंड इट, एंड आई एम श्योर, गारंटी देता हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें आपके सामने आएगी जो आपके अकाउंटिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू टुमारो अगेन, बाय बाय।